मैं यहाँ अपने जीवन साथी का नाम जानने आई हूँ। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया। तब इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। किंतु पांचों परीक्षाओं में तो मैं उत्तीर्ण हो चुकी हूँ। ये तुम्हारे कौशल की नहीं, प्रेम की परीक्षा है। यदि मैं परीक्षा में सफल हुई तो आप मुझे क्या देंगे? उन प्रश्नों के उत्तर जिन्हें लेकर तुम यहाँ तक पहुँची हो, और मैं तुम्हारे राजकुमार को तुम्हारे निकट भी लेकर आऊंगी, ये मेरा वचन है। किंतु तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उस कटार के वार से आहत होने में तुम हिचकिचाओगी नहीं, स्थिर रहोगी। प्रमाणित कर दिया, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुम जो चाहे मांग सकती हो। तो मुझे बताइए कि वो कौन है जिन्हें मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हूँ, उनका नाम क्या है? मैं इसका उत्तर ढूंढने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु तुम्हें मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। आओ मेरे साथ। तो बताओ, वो दिखने में कैसे हैं? जैसे कोई बलशाली योद्धा हो। भयंकर असुर योद्धा या? नहीं, वो तो त्रिदेव के अवतार लगते हैं। प्रभु श्री गणेश जी ने भी कहा था वो देवता समान होंगे। फिर क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? वो नारायण तो नहीं थे, ये तो मैं जानती हूँ, किंतु उनके मुख पर मुस्कान बिल्कुल नारायण जैसी ही थी। अर्थात वो नारायण के संबंधी हैं, उनके ही कोई वंशज। तो क्या वो ऐसे हैं? वो धनुर्धारी तो है। ऐसी? हाँ, उनकी आंख, ओठ, मुस्कान सब इनके जैसी ही थी, और आंखों में शरारत भी बिल्कुल ऐसी। अर्थात ऐसे आकर्षण वाला मुख तो श्री कृष्ण के कुल में ही संभव है। तो ये है वो राजकुमार जो स्वप्न में आकर तुम्हारे हृदय में बस गए हैं। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। प्रभु श्री कृष्ण के पौत्र हैं। तो उनसे मेरी भेंट कब कराएंगी आप?
आपने वचन दिया था उसे पूरा करेंगी ना, मुझे उनसे मिलाएंगी ना? मैंने वचन तो दिया था, किंतु लीलाधर है श्री कृष्ण, मैं उनके पास जाकर इन्हें वहां से कैसे लेकर आऊंगी? तो शायद मेरे भाग्य में उनसे मिलना लिखा ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में ना होता तो मैं भला वचन क्यों देती? मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी, किंतु उसके लिए मुझे तुम्हारे ही समान श्री विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद चाहिए। यदि उनसे तुम्हारी भेंट नियत है तो विघ्नहर्ता अवश्य सहायक बनेंगे। अब क्या होगा प्रभु? देवी चित्रलेखा ने उचित कहा, जब तक प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अनिरुद्ध पर रहेगा उन्हें वहां से लाना कठिन होगा, किंतु देवी उषा और अनिरुद्ध की अभी भेंट होना आवश्यक है, अन्यथा नरकासुर के पापों के अंत में और देर होगी। नरकासुर का डर अब तक सभी राजकुमारियों पर छा चुका होगा, जाओ जाकर देखो। तुम चिंता मत करो उषा, तुम अपने घर जाकर प्रतीक्षा करो, मैं अपनी माया का प्रयोग कर तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे युक्ति का प्रयोग करना होगा जिससे प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अपने पौत्र पर ना रहे। किंतु आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? भक्ति के आगे सभी प्रयास फीके पड़ जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, भक्ति भाव से उनकी स्तुति करूंगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं द्वारका तो पहुंच गई, बस अब किसी प्रकार भीतर जाना है। मिल गया द्वार। यहां तो स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है, यहां तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसे में मैं अनिरुद्ध को लेकर नहीं जा सकती। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। प्रभु श्री कृष्ण पर तो मेरी स्तुति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, फिर कैसे होगा उषा और अनिरुद्ध का मिलन जो नरकासुर के अंत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी पूजा प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही है? गणेश जी इतनी देर से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किंतु उन्होंने अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए? कहीं प्रभु की योजना विफल हुई तो फिर चित्रलेखा कैसे सफल होगी? और वो ना हुआ तो हम बाणासुर के शोणितपुर में ही रह जाएंगे। प्रभु को मेरे यहाँ होने का आभास हो गया, वो और सतर्क हो गए। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया। हे प्रभु गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। मुझे एक निष्ठ होकर एकाग्रता से प्रभु की भक्ति करनी होगी। तो शीघ्रता कीजिए, इससे पहले कि प्रभु श्री कृष्ण वहाँ चित्रलेखा को देख ले। विघ्नहर्ता श्री गणेश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे प्रभु गणेश जी। श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमः। 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 लगता है प्रभु ने मेरी सुन ली। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अंततः मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हाँ पार्वती नंदन गणेश, किंतु मुझे बुलाने के लिए इस आराधना की क्या आवश्यकता थी? संदेश भिजवा देते तो मैं वैसे ही आ जाता। कार्य बहुत आवश्यक था, संदेश भिजवाने का समय नहीं था प्रभु। अच्छा, ऐसा क्या कार्य था? वो कष्ट में है प्रभु। मुझे उन राजकुमारियों की चिंता हो रही है। प्रतिशोध की अग्नि में नरकासुर धरती की सभी निर्दोष राजकुमारियों की आहुति देना चाहता है। उनकी पीड़ा, उनके कष्ट का ज्ञान है मुझे, किंतु समय से पहले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपके समान मैं भी तो नियति से बंधा हूँ। अब इन्हें यहाँ से उषा के पास ले जाती हूँ, किंतु कैसे? अब मेरे प्रस्थान का समय है। रुकिए प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जी अभी भरा नहीं। मेरी आँखों को तृप्ति तभी मिलेगी जब मैं आपकी मुस्कान, आपके कमल नयन और आपके मनोहर रूप को ठीक से निहार लूंगा। कान्हा, गोविंद, कन्हैया, माधव, श्याम, अच्युत, द्वारिकाधीश, श्याम सुंदर, हरि, विष्णु, ऋषिकेश, जगन्नाथ, कंजलोचन, मोहन, मुरलीधर, नारायण, साक्षी गोपाल, मथुरानाथ, बैकुंठनाथ, आपके इन अनंत नामों की भांति आपकी लीला भी अनंत है। आपके भक्त जिस नाम से आपको पुकारते हैं, आप उसी रूप में दर्शन देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और तो और प्रभु, आपकी मधुर वंशी की ध्वनि का अद्भुत सम्मोहन है। बस गणेश जी बस, आपका कार्य संपन्न हो चुका है, अब मुझे यहाँ रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जो आप चाहते थे वो हो चुका है। आपको पता था प्रभु, हरी अनंत हरी लीला अनंता, ये मैं क्या कर रहा था। जिन्होंने अपनी लीला से संसार को मोहित किया है उनसे लीला करने का प्रयास कर रहा था, किंतु ये भी तो आपकी ही लीला है प्रभु। जो हुआ उसका होना अनिवार्य था, इसलिए मैंने उसे होने दिया। नियति के बहाव को आगे बढ़ने के लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा उसमें मैं सदा सहायक बनूंगा। वहां वृक्ष के पीछे कौन हो तुम? चलो देखते हैं। यहां तो बस चित्र है। किंतु सतर्क हो जाओ, लगता है किसी की माया है ये। प्रभु, मैं चाहता था चित्रलेखा अपने कार्य में सफल हो, किंतु मेरी वास्तविक इच्छा तो उन राजकुमारियों को नरकासुर से मुक्त कराने की है, उनके कष्ट को दूर करने की है। माता कामाख्या से अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए नरकासुर धरती की इन सभी निर्दोष राजकुमारियों से विवाह कर उनका जीवन नष्ट करना चाहता है। मेरी मायाविनी इन्हें ताड़ना देने की जगह इनकी सुरक्षा कर रही है। मेरे हाथों का खिलौना मुझे ही चुभा है। मेरे कारण ही तुम सभी का अस्तित्व है और मेरे ही आदेशों का पालन नहीं कर रही हो, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। माया का प्रभाव है ये, जो मेरे प्रहार को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मैंने अपनी माया से तुम्हें बनाया था और अपनी माया से ही तुम्हें नष्ट भी करूंगा। मेरी मायाविनी जो तुम्हारी ढाल थी वो तो नष्ट हो गई। अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है, ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। नरकासुर के क्रोध को सिखाने का परिणाम ही जाती हो। अब देखता मेरी अग्नि का ताप अधिक देर रहता है या तुम्हारा तप। टूटेगा
अवश्य टूटेगा तुम्हारा ये दांता। मूर्ख नरकासुर, ये राजकुमारियां तो प्रभु के ध्यान में थी, किंतु इनके ध्यान को तब बनाने का कार्य तुमने किया है, जिसका ताप तुम्हें अवश्य सहना होगा। मूर्ख नरकासुर, ये राजकुमारियां तो प्रभु के ध्यान में थी, किंतु इनके ध्यान को तब बनाने का कार्य तुमने किया है, जिसका ताप तुम्हें अवश्य सहना होगा। उनकी पूजा तब बनी है, तो अब उन्हें उसका फल भी शीघ्र मिलना चाहिए। तनोति धर्मम विधुनोति कल्मषम् हिनस्ति दुःखम् विधनाति दस्तम् चिनोति सत्वम् विधन्ति तामसम् तपोस्थवा किं न करोति देहिनः। अर्थात तप धर्म का प्रसार करता है, दुखों का नाश करता है, अस्मिता देता है, तप क्या नहीं करता। इसीलिए हे गौरी पुत्र, आपको शीघ्रता करनी होगी। नरकासुर के अंत के पूर्व बाणासुर का अंत करना होगा, इसलिए जो भी आवश्यक है इसे करने में विलंब मत कीजिए। इस अग्नि के ताप में इन सभी की सारी भक्ति भी पिघल जाएगी, फिर ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जाओ, जाकर कह दो मेरे मित्र बाणासुर से कि उसके मित्र का विवाह होने वाला है। क्या हुआ, तप पर मेरा ताप भारी पड़ने लगा? सोच लो, ध्यान से सोच लो, क्या करना चाहती हो? मेरी अग्नि में जलकर भस्म होना चाहती हो या फिर मेरी रानी बनकर सुख ऐश्वर्य पाना चाहती हो? मेरी मानो, विवाह का जोड़ा पहनो राज और राजसभा में। जब तक ये राजकुमारियां श्री कृष्ण का नाम लेती रहेंगी, ये अग्नि इन तक पहुंचने के स्थान पर एक कोमल लाल पुष्प के समान बनी रहेंगी। अब क्या होगा प्रभु? वही होगा मूषक जी जो नियति में लिखा है, हमें तो बस उसमें अपना भाग निभाना है। प्रभु ये क्या कह रहे हैं, किस भाग को निभाने की बात कर रहे हैं? चित्रलेखा जी, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ, तुम्हारे स्वप्न के राजकुमार अनिरुद्ध को। कहाँ है वो? यहाँ। क्या किया आपने चित्र लिखा जी, उन्हें चित्र क्यों बना दिया? क्या आप मैं चित्र के सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? शांत हो जाओ, चिंता मत करो, ये तो बस मेरी माया का प्रभाव है।
पूरा हुआ। आप दोनों आमने सामने आ गए, अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। ये भेंट तो स्वयं नियति ने रची थी, तभी तो प्रभु श्री कृष्ण के होते हुए भी मैं इसमें सफल हुई। अपने स्वप्न में आपको मेरा जीवन बचाते हुए देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई गहरा संबंध है, इसलिए मैंने चित्रलेखा जी को मेरी सहायता करने के लिए कहा। ऐसा ही एक स्वप्न मैंने भी देखा था, किंतु वो स्वप्न नहीं सच लगा था। हाँ, कैसी वो घटना किसी और संसार में घट रही थी, जहां बस मैं और आप थे। उस सुनहरे स्वप्न के बाद तो केवल मिलने की ही प्रतीक्षा थी। मिलन के प्रयासों के लिए अनेकों बार धन्यवाद। और जो चित्रलेखा ने कहा वो भी एकदम सत्य है, हमारा मिलन तो होना ही था, इसीलिए तो आज हम यहां दोनों एक साथ हैं। यहां तो हम एक साथ हैं, किंतु यहां के बाहर हमारा एक होना बहुत कठिन है। मुझे नहीं पता पिताजी इस बात के लिए मानेंगे या नहीं, हमारा विवाह हो पाएगा या नहीं। मैं वचन देता हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तक तुम्हारे पिताजी हमारे विवाह के लिए मान नहीं जाते, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं अनिरुद्ध जी से कोई भूल ना हो जाए, बाणासुर को पता चल गया तो। अब इन सभी चिंताओं से आगे जाने का समय है मूषक जी। तो प्रभु हमें क्या करना है ये तो बताइए, कुछ तो कहिए प्रभु, हमें क्या करना है। वही मूषक जी जिसका आपको भय है। बाणासुर को अनिरुद्ध के बारे में बताना है। बड़े भोज की तैयारी है, कोई विशेष मेहमान आने वाला है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं गणेश जी, ये तो मेरे प्रतिदिन का भोजन है। और हाँ, महादेव के अलावा उनके गण भी मेरे अतिथि हैं। आप चाहे तो आप भी मेरे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, और कोई अतिथि नहीं है यहाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और भी है तुम्हारे शोणितपुर में, जिसकी तुम्हें ही नहीं तुम्हारी सेना को भी कोई जानकारी नहीं है। प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये असुर हाथ भी नहीं धोएगा और अनिरुद्ध जी के पीछे पड़ जाएगा। मैं अभी तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूँ और हमारे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखता हूँ। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आप मेरे पिता के स्वभाव से परिचित नहीं, गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। यदि उन्हें पता चला कि हम पहले ही मिल चुके हैं तो वो बिना सोच विचार किए आप पर प्रहार कर देंगे, उन्हें तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए। किसका आभास हुआ आपको गणेश जी, क्यों लगा आपको ऐसा कि शोणितपुर में कोई है? मूषक जी आप ही बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं प्रभु, जो अभी यहाँ आते हुए मार्ग में आपने सुना था। प्रभु मुझसे क्या शत्रुता है आपकी, ये हजार भुजाओं वाला दुष्ट यदि दुष्ट हुआ तो मुझे मसल कर रख देगा। मूषक जी क्या सुना था आपने? किसी पुरुष का स्वर था। पुरुष कहाँ? राजकुमारी उषा के कक्ष में। असंभव। प्रभु आपने ही उलझाया है मुझे, अब आप ही बचाइए। वो स्वर तो मैंने भी सुना था। मेरी आज्ञा के बिना शोणितपुर में कोई नहीं आ सकता। सच है, किंतु महादेव से तुमने ही वरदान मांगा था ना, तुम्हारा सामना किसी योग्य योद्धा से हो जो तुम्हारे हजार हाँ। उससे पूर्व मैं उसके हाथ काट दूंगा। आपके यहाँ होने का पिताजी को पता चलने से पहले आप यहाँ से निकल जाइए। यदि नियति ने हमें मिलवा ही दिया है तो अवश्य ही उसके गर्भ में कोई बड़ा उद्देश्य होगा,
यदि यहाँ कोई आया भी है तो मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। सेनापति जी महाराज। जाओ और महल का चप्पल चप्पल छान मारो, यदि कोई बाहरी दिखाई दे तो उसे घसीट कर मेरे पास लाओ, भले ही वो राजकुमारी के कक्ष में ही क्यों ना छुपा हो। ये क्या कर रहे हो? देवी उषा के कक्ष में किसी पुरुष का आना मना है। किंतु महाराज ने मुझे पूरे भवन में देखने को कहा है, उन्होंने कहा है कोई स्थान मत छोड़ना। महाराज के आदेश के लिए महाराज के ही बनाए हुए नियम को भंग करेंगे क्या? तुम दोनों उस ओर देखो। लगता है पिताजी को आपके यहाँ होने का पता चल गया। आपको छिपना होगा, जाइए छिप जाइए। राजकुमारी किससे बात कर रही हैं? उनके कक्ष में तो कोई भी नहीं गया। कुछ नहीं होगा उषा, कभी ना कभी तो तुम्हारे पिताजी को पता चलना ही था, तो आज ही क्यों नहीं। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप समर्पण कर दो और चलो महाराज बाणासुर के पास। शत्रु नहीं हूं, इसीलिए मुझे समर्पण के लिए मत कहिए और अपने महाराज को यह संदेश दे दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, बंदी बनकर नहीं बल्कि उनका अतिथि बनकर। महाराज महाराज, राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है। क्या कह रहे हो मूर्ख, स्पष्ट कहो। राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है, उसने मुझे भी परास्त कर दिया। वो आपसे मिलना चाहता है, परंतु बंदी के रूप में नहीं, अतिथि के रूप में। एक कायर मेरा सेनापति कदापि नहीं हो सकता। मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा मेरे पुत्र के कक्ष में कौन है। संभव है वो कोई ऐसा हो जिसके साथ उषा का भविष्य जुड़ा हो। नहीं, उषा मेरी पुत्री है, उसका विवाह उसी से होगा जिसे मैं उसकी योग्य समझूंगा, किसी घुसपैठिए से नहीं। दुस्साहसी, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड मिलेगा। दुष्ट, अब नहीं बचोगे तुम। एक बार मुझे सुन तो लीजिए, कम से कम मेरा परिचय तो जान लीजिए आप। तुम्हारा एक ही परिचय है, घुसपैठिए हो तुम, इसे दंड मिलना ही चाहिए। रुकिए पिताजी। मैं इसे प्रेम करती हूँ। इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम केवल उससे प्रेम करोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। कोई बिन बुलाए यहाँ आए और मेरी पुत्री को प्रभावित करे, ये मैं कदापि नहीं सहूंगा।
मेरी बात ना सही, कम से कम अपनी पुत्री की बात तो सुन लीजिए आप। बस, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मेरी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव वो ही रख सकता है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। जब मुझसे युद्ध कर अपने बल को प्रमाणित करोगे तब सुनूंगा तुम्हारा प्रस्ताव। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बाणासुर इतना भी स्वार्थी नहीं है एक बालक को पहले दाव में परास्त कर दे, इसलिए पहला दाव चलने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं। पिताजी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ, अभी हो गए? करो वार मुझ पर। युद्ध छोड़ पूजा में लग गए। जब सामने प्रथम पूज्य हूँ तो भय कैसा, उनका नमन किए बिना रण में कैसे उतर जाऊंगा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम महोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बस, यदि तुम्हारी पूजा समाप्त हो गई हो तो युद्ध आरंभ करें। पूजा में बाधा डालकर बाणासुर ने अपनी पराजय तय कर ली है। नहीं गणेश जी, आप इसे आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि आप मेरे साथ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारे सामने एक बालक है। तुम्हें क्या लगता है, मेरे आशीर्वाद के बाद ये तुम्हारा सामना कर सकेगा? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि ये तुम्हारे हजार हाथ काट देगा? यही बात है ना, भयभीत हो गए तुम। भय स्वयं बाणासुर से भयभीत होता है। बाणासुर को किसी का भय नहीं, आपको जो आशीर्वाद देना है दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद है, जिस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है तुम उसमें सफलता पाओ। बस हो गया, अब करें युद्ध। आरंभ है बालक, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के
हजार टुकड़े करूंगा मैं। ये तो अभी आरंभ है बालक, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के चार टुकड़े करूंगा मैं। तो इस युद्ध का कभी अंत नहीं होगा। इसका अंत तो होना ही होगा, वो भी शीघ्र। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूं, गणेश जी भी मेरे नगर में विराजमान होंगे। जिस असुर ने मुझे मेरे स्वामी और पुत्र से अलग किया है, अपार कष्ट तो उसे भी भुगतना होगा। स्वामी, मैं थक रहा हूँ, किंतु इसकी गति तो पहले जैसी ही है। सावधान बाणासुर। एक ओर बिच्छू की पीड़ा और दूसरी ओर उनका क्रोध भी है। जब स्वयं प्रकृति की देवी अशांत हो तो उसका प्रभाव सृष्टि पर स्वाभाविक है। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोधाग्नि तब तक शांत नहीं होगी जब तक माँ अपने काली स्वरूप को उजागर कर अपने क्रोध को ज्वालामुखी के लावे के समान बाहर ना निकाल दें। बस बहुत हुआ, इसकी गति को मुझे अभी रोकना ही होगा। नागभास, ये नागभास का प्रहार कर रहा है। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपका आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकता है।
युद्ध के आरंभ में इसने मेरे नाम का उच्चारण किया था, मेरी पूजा की थी। मैं इस विघ्न को इसकी मृत्यु का कारण नहीं बनने दे सकता। मैंने तो किसी माया का प्रयोग भी नहीं किया, फिर भी तुम परास्त होकर मेरे समक्ष बंदी बने खड़े हो। किंतु शत्रु को बंदी बनाने में नहीं, उसका अंत करने में विश्वास है मुझे। किंतु बाणासुर तुम ऐसा नहीं। गणेश जी अतिथि हैं आप हमारे, और अतिथि अपनी मर्यादा भूल जाए तो आतिथ्य करने वाले से भी भूल हो सकती है। माँ के क्रोध का बाहर आना अब अनिवार्य है। अनिरुद्ध, माता काली का आवाहन करो, नाग फांस से वही तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं। धर्म के तारक अधर्म विनाशक, दुष्ट संहारक तुम मंगलकारक, दुष्ट संहारक तुम मंगलकारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण, तुम उमा तुम कमला कला निपुण। दुष्ट संहारक तुम मंगलकारक, तुम उमा तुम कमला कला निपुण। चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूर्ण, शांत करो क्रोध मां महाकाली। करत विनय तुमसे हे कुलपाली। अब कोई सुरक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी। प्रणाम माँ। प्रणाम माता। धन्यवाद, अनेकों धन्यवाद माता। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मेरे नाक फांस को काट दिया देवी ने। बाणासुर, अब मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरा अहित नहीं हो सकता। आप मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं महादेव मेरे साथ हैं। यदि माँ इसी तरह आगे बढ़ती रही और बाणासुर ने पिताश्री प्रभु महादेव का आवाहन कर लिया, तो माँ और पिताश्री एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे माँ को रोकने का उपाय करना होगा। माँ,
मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। कितने दिनों से आपके हाथों पका कोई पकवान नहीं खाया मैंने माँ। पार्वती के मन में पुत्र माँ की गोद में आए विघ्नहर्ता अद्भुत बालक परमा प्रेम पुत्र। मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से भोजन करवाना चाहती हूँ, किंतु यहाँ आने से पूर्व मुझे सूझा ही नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। जग में उसे माता, आप तो सारे जगत का ध्यान रखती हैं। गणेश जी के इस भक्त की ओर से ये भेंट स्वीकार करें माता। पुत्री, तुमने एक माँ और पुत्र की इच्छा पूर्ण की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी, कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। माता, मुझे तो जो चाहिए था वो गणेश जी के आशीर्वाद से मिल ही गया। अब तो मैं तो बस इतना चाहती हूँ माँ कि पिताजी हमारे विवाह के लिए मान जाए। लो पुत्र, खाओ। माँ की ममता तभी तृप्त होती है जब उसकी संतान उसके हाथों से भोजन कर तृप्त होती है। आपकी ममता तो संसार को हमेशा सीख देती है कि माँ कितनी भी व्यस्त क्यों ना, किसी भी कारण से कितनी भी क्रोधित क्यों ना, संतान की पुकार सुनते ही अपना सब कुछ त्याग कर संतान के सुख की कामना करती है। माँ, आप ऐसे ही जगत जननी नहीं। प्रणाम माता, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको अनेकों बार धन्यवाद। पुत्र, भक्त भी संतान के समान ही होता है, और भक्ति भाव से तुमने मेरा नाम स्मरण किया तो भला मैं तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों ना आती। यदि आपने यही निर्णय लिया है तो आपको आपके स्वामी के साथ युद्ध करना होगा। शिव और शक्ति का तो युद्ध नहीं चाहते होंगे आप, इसलिए उचित होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। सोच लो बाणासुर, तुम माँ अर्थात प्रभु महादेव की शक्ति को शोणितपुर से जाने को कह रहे हो। हाँ, यही चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये उनका युद्ध नहीं, इसलिए यहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ अनिरुद्ध की रक्षा के लिए आई थी। किंतु माँ, अब इस युद्ध का कोई कारण ही नहीं तो अनिरुद्ध को सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही कहाँ है। किंतु गजानन, मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए युद्ध तो करना ही होगा ना, नहीं तो मैं उषा का पानी ग्रहण कैसे करूंगा। मेरी पुत्री का हाथ तो ये तभी थामेगा ना जब ये जीवित बचेगा। बाणासुर, अनिरुद्ध ऐसा योद्धा नहीं जो तुम्हारा सामना कर सके। यदि तुम ऐसे योद्धा का सामना करना चाहते हो जो तुम्हारे सामने टिक सके, तो अनिरुद्ध को बंदी बनाओ और उसके पिता या पितामह को बुलाओ। किंतु गणेश जी, यदि मैं बंदी बनूंगा तो मेरे पिता और पितामह का अपमान होगा। वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए बंदी भी बनना पड़े तो कोई अपमान नहीं। बुद्धि के देवता यदि कुछ सुझाव दे रहे हैं तो अवश्य ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। लो, समर्पण कर दिया इसने। यदि वो योग्य है तो मैं इसके पिता और इसके पिता के पिता को भी चुनौती देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे पिता और पिता माँ का परिचय जानते भी हैं? परिचय कायर मांगते हैं और योद्धा
युद्ध करते हैं। मुझे कोई भय नहीं, मेरे समक्ष जो भी आएगा वो पराजित होकर ही जाएगा। यदुवंश से हूं मैं, और मेरे पिता का नाम है प्रद्युमन, और मेरे पिता माँ का नाम है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। तो क्या हुआ, बाणासुर के सहस्त्र हाथ हैं, ऐसे महान योद्धा को श्री कृष्ण का कोई भय नहीं। सत्य कहा गणेश जी ने, बाणासुर को किसी का भय नहीं। मैं बाणासुर द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता, श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आपका ये संदेश तो मैं ही श्री कृष्ण जी तक पहुंचाऊंगा। उचित समय पर आए हैं आप। संदेश में यह भी कहना कि पूरी तैयारी के साथ आए वो, क्योंकि मेरे जैसे योद्धा का सामना पहली बार करेंगे वो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। क्षमा कीजिएगा, बिना सूचना दिए ही मैं यहाँ पे आ गया, किंतु ये एक संदेश देना अति आवश्यक है। युद्ध के लिए इन सभी अस्त्रों को तैयार करो। यह स्थान योद्धाओं का है, स्त्रियों का नहीं। हम भावी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानती हूँ स्वामी, और ये भी जानती हूँ कि इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम संभव है, आपका विनाश। पत्नी मेरी हो और विजय की कामना शत्रु की कर रही हो, मनोबल गिराने आई हो मेरा यहाँ, क्या यही धर्म है एक धर्म पत्नी का? पत्नी धर्म ही तो निभाने आई हूँ स्वामी, इसलिए आपको आपके विनाश से रोक रही हूँ। भला ईश्वर से भी कोई विजय पा सकता है क्या? अभी भी समय है, आप सत्य को स्वीकार कर लीजिए और अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दीजिए। वो एक वीर एवं साहसी युवक है, हमारी पुत्री के सर्वथा योग्य है। प्रभु यदि आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं। माते। नारायण नारायण। मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। आप जानना चाहती थी ना कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बस, युद्ध का तुम्हें कोई अनुभव नहीं, इसलिए तुम्हारे सुझाव का कोई महत्व नहीं। शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से। आपकी अर्धांगिनी को आपकी चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। मुझे कार बनाना चाह रही हो तो मैं भी बता दूं, अर्धांगिनी नहीं हो तुम मेरी, अभी तू वो अर्धांग हो जो मेरे लिए व्यर्थ है। मेरी अर्धांगिनी होने के नाते आप मेरी आधी शक्ति हैं, जिस शक्ति की आवश्यकता मुझे रणभूमि पर है। तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ? तुम्हें अपनी रानी कहने में भी लाज आ रही है मुझे। आज से मेरे जीवन में तुम्हारा कोई महत्व नहीं। आज तक मैं किसी भी युद्ध में अपनी किसी भी रानी के साथ नहीं गया, किंतु आप मेरे साथ चल रही हैं। आशा है इससे आप समझ सकेंगे कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं।
मुझे विश्वास था बिना मुझसे मिले आप लौटेंगी नहीं। स्वामी, आपके बिना कैलाश ही नहीं, आपकी शक्ति पार्वती भी अधूरी है। आपका कैलाश और आपकी अर्धांगिनी दोनों आपकी प्रतीक्षा में है। शीघ्र ही वो समय भी आएगा। मेरा भक्त होकर भी नहीं जान पाया शक्ति के बिना शिव शव है। और उसने तो अपनी शक्ति अर्थात अपनी अर्धांगिनी से विलग होकर अपनी शक्ति भी आदि कर ली। तो आपकी ये अर्धांगिनी कैलाश में आपकी प्रतीक्षा करेगी। उचित समय आने पर बाणासुर को अवश्य समझ आएगा कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। आइए देवी सत्यभामा। योद्धा अपने शब्दों से नहीं अपने अस्त्रों से बात करते हैं। ये कैसा भूकंपन है? ऐसा भूकंप तो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण नहीं जानते बाणासुर? प्रभु श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है यहाँ। तुमने ही तो बुलाया है उन्हें। मंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। तो मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? महादेव है मेरे पास जिनके एक ही इशारे पर लय हो जाती है। प्रभु, युद्ध भूमि पर पहले आपको जाना होगा। किंतु बाणासुर, युद्ध तो तुम करना चाहते थे अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धा से। हाँ, वही कर रहा हूं प्रभु। अभी आपका बल भी मेरा ही बल है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से आगे जाएं। मुझे पिताजी को समझाना ही होगा। क्या समझाना चाहती हो मुझे पुत्री? पिताजी, देखिए कितनी विशाल सेना है और देखिए कौन नेतृत्व कर रहे हैं इस सेना का। स्वयं लीलाधारी नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण और तो और वो अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ यहाँ आए हैं। और इतना ही नहीं, उनके दाईं ओर शेषनाग के अवतार हलधर महाबली बलराम जी हैं और उनके बाईं ओर उनके पुत्र प्रद्युमन जी। पिताजी, क्या आप इन सभी के साथ युद्ध करना चाहते? बस, तुमने उनकी सेना तो देख ली, अब मेरी सेना भी देख लो। पिताजी,
देवादि देव महादेव संसार के संहार का दायित्व है जिनके ऊपर, जिनके तीसरे नेत्र के खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। इनके दाएं ओर हैं महादेव का भार अपने ऊपर उठाने वाले अपार बल के स्वामी, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक महादेव के सर्वप्रिय भक्त नंदी। इनके बाएं ओर हैं महादेव के पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। इनके पीछे है शिवगणों की सेना। अब बताओ कौन है अधिक शक्तिशाली? शक्ति का वास तो वहां होता है पिताजी, जहां धर्म का पालन होता है। यदि ऐसा है तो आज मैं इसे भी गलत साबित करूंगा। धर्म से खेलूंगा, भगवान को भगवान से लड़वाऊंगा और एक दूसरे का अंग उन्हीं से करवाऊंगा। आज हरिहर को अलग करवा दूंगा। एक दूसरे के भक्त भी तो है ना ये, फिर भी आमने सामने होंगे, बड़ा आनंद आएगा। आनंद नहीं पिताजी, ये तो पाप है। महादेव को अपने वचन से बांधकर आपने उचित नहीं किया पिताजी। बस, यदि तुम मेरी पुत्री नहीं होती तो अभी तुम्हारा वध कर देता। और जो यहां हो रहा है उसका कारण भी तुम हो। अपने प्रेमी को सबसे छिपाकर और राजभवन में उसे प्रवेश दिलवाकर स्वयं को और अपने परिवार को तुमने कलंकित किया है, और अब तुम मुझे धर्म और अधर्म का पाठ सिखा रही हो। प्रेम किया है मैंने पिताजी, और सच्चा प्रेम निष्कलंक होता है। जहां प्रेम होता है वही ईश्वर का वास्तविक वास होता है। ये है सच्चा प्रभु प्रेम और भक्ति। दोनों प्रभु युद्ध भूमि में युद्ध करने आए हैं, किंतु यहाँ एक दूसरे की भक्ति में डूब गए हैं। जैसे युद्ध भूमि को ही दोनों ने मंदिर बना दिया हो, ये निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव से ही संभव है। जिसके मस्तिष्क से लेकर हृदय तक सिर्फ स्वार्थ भरा हो, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ईश्वर को पूछता हो, वो भला क्या समझेगा? मैं ही मूर्ख हूं जो पिता प्रेम वश होकर आपको समझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हूं। प्रेम की परिभाषा मुझे मत समझाओ और अपने प्रेम को भूल जाओ, क्योंकि इस युद्ध के उपरांत मैं स्वयं अपने हाथों से अनिरुद्ध का अंत करूंगा। आप ना तो नियति जानते हैं और ना बनाते हैं, आप ईश्वर नहीं है पिताजी। ईश्वर तो ये है जिन्हें आज मेरे लिए युद्ध करना होगा। पिताजी, प्रभु महादेव
और प्रभु कृष्ण के संबंध को समझने का प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए पिताजी। युद्ध भूमि में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना ही परिवार। वहां तो केवल एक योद्धा होता है, जो अपने विरोधी के विरुद्ध युद्ध कर युद्ध धर्म का पालन करता है। आज इन्हें भी युद्ध धर्म का पालन करना होगा। प्रभु, कितने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं, किंतु युद्ध भूमि पर होने के कारण आपके प्रति अपनी आत्मीयता भी व्यक्त नहीं कर सकता। मैं भी तो आपके प्रभु श्री राम स्वरूप के दर्शन पाने के लिए लालायित हूं। मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं का नाम तो सदा जपता हूं। प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे महाशिव स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। शिवो महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर वामदेव विरूपाक्ष कपर्दिनील लोहित शंकर शूल पाणिश्च खट्वांगी विष्णु वल्लभ शिपि विष्टो अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सल। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय। ये कैसी माया है? माया नहीं है पिताजी, ये सत्य है। आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। कोई किसी के भी विरुद्ध हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो केवल ये युद्ध जीतकर अनिरुद्ध का अंत करना है। इन दोनों को मैंने यहां भारत मिलाप के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु महादेव, प्रभु महादेव। खड़े मत रहिए, शत्रु है सामने, उसे मित्र मत समझिए। अपने वरदान को मत भूलिए, युद्ध आरंभ कीजिए। युद्ध की तैयारी करो। देवी सत्यभामा, युद्ध के आरंभ का शंखनाद आप कीजिए। शस्त्र
प्रभु, महादेव ने अपने पहले ही वार में भूत पिशाचों की सेना भेज दी। प्रभु के भूत पिशाच धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। धर्मास्त्र, धर्मास्त्र। इतिहास नहीं युद्ध है, समय व्यर्थ के बिना शिव जोर अस्त्र का आह्वान कीजिए जो असहनीय ताप उत्पन्न करेगा। शिव जोर अस्त्र, शिव जोर अस्त्र। अब आया ना युद्ध का आनंद। स्वामी, इस ताप का सामना कैसे करेंगे आप? नारायण ज्वर अस्त्र, नारायण ज्वर अस्त्र। प्रभु के अस्त्र के ताप के बराबर की शीत उत्पन्न करेगा। ईश्वर अपनी सेनाओं को आहत होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बिना अस्त्रों के होगा। किंतु हम अपने धर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए हम अपने पूरे युद्ध कौशल का प्रयोग कर ये युद्ध लड़ेंगे। बहुत दिनों बाद किसी योग्य योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिला है। सही कहा प्रभु बलराम जी, योद्धा योग्य हो तो युद्ध में भी आनंद आता है। तो फिर आप अपना वार पूरी शक्ति से कीजिएगा नंदी जी। उचित है। युद्ध नहीं, खेल कर रहे हैं ये, मुझे मूर्ख बना रहे हैं। किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महादेव, आप श्री कृष्ण पर कठोर प्रहार कीजिए, अपने घातक शिवास्त्र का प्रयोग कीजिए। शिवास्त्र। Got it.
करने के पूर्व परिणाम का विचार करते हैं और अज्ञानी कर्म करने के पश्चात।